हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं या सेपरेशन में हैं, या फिर अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, स्पेसिफिक पर्सन ऑन योर माइंड के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम चेकआउट करेंगे टैरो कार्ड्स के थ्रू। सबसे पहले हम एंजल टैरो कार्ड, विजडम टैरो कार्ड्स में देखेंगे तीन कार्ड निकालकर क्या एनर्जी है आपकी और आपके पर्सन के बारे में, मतलब क्या होगा इस रिलेशनशिप में, और उसके बाद हम टैरो से इसे क्लैरिफाई भी करेंगे। तो सबसे पहले हम एंजल्स क्या कहना चाहते हैं ये विजडम कार्ड्स के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। आपको क्या करना है, आपके स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है, उसका नाम लेना है, ताकि यूनिवर्स हमको बता सके कि क्या एग्जैक्टली उनके माइंड में चल रहा है इस वक्त। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होता है, आपको वीडियो अच्छा लगता है, कुछ भी पॉजिटिव गाइडेंस आपको मिलता है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिना बिल्कुल मत भूले। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, और अगर किसी को इसकी जरूरत है तो शेयर भी कीजिए वीडियो को। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है, क्या होने वाला है, सभी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो यहां से हम तीन कार्ड्स लेंगे और जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स या क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर जानने की कोशिश करेंगे। तो रैंडमली हम तीन कार्ड्स ही लेंगे और जानेंगे आपके पार्टनर के बारे में। यूनिवर्स और एंजल्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स और एंजल्स प्लीज गाइड करें। कुछ पॉजिटिव ही मेरे व्यूवर्स जो भी परेशान हैं इस रिलेशनशिप को लेकर या जानना चाहते हैं उसके बारे में बताने की कोशिश करें। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर जो आया है वो है फाइव ऑफ वैंड्स। अच्छा, सेकेंड कार्ड देखते हैं। सेकेंड कार्ड यहाँ पर द एम्प्रेस का आया है, और थर्ड कार्ड जो यहाँ पर आया है वो है फोर ऑफ वैंड्स। तो ऐसी एनर्जी है आज यहाँ पर, जो नंबर्स आए हैं फोर और फाइव कुछ खास हो सकते हैं आपके साथ। तो ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि अभी जो भी सेपरेशन था या जो भी आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ है या किसी भी बात को लेकर बहस हो चुकी है या फिर कुछ भी नेगेटिव हो चुका है आप दोनों के बीच, वो खत्म होने वाला है और पॉजिटिव सिचुएशन क्रिएट होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनियन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, रीयूनियन होकर रहेगा आपका, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी क्यों ना हो, आप दोनों का रीयूनियन हो जाएगा। आपको कॉल या मैसेजेस आ सकते हैं चार दिन के अंदर या फिर चार घंटे के अंदर हो सकता है, चार हफ्तों के अंदर हो सकता है, लेकिन जरूर आएंगे क्योंकि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। ये शादी को लेकर बहुत सीरियस है आपके साथ, मतलब एक कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको ऐसा लगता है यहाँ पर, और इस सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसका मतलब आपको प्रपोज कर सकते हैं, एंगेजमेंट आपके साथ कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको कमिटमेंट देंगे ताकि आप भी इस टेंशन से थोड़े दूर हो सके कि बाबा हाँ यही मेरा डेस्टाइंड पार्टनर है, ऐसा आपको भी लगने लगेगा। यहाँ पर डिवाइन एंजल्स और डिवाइन का आपके ऊपर आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, और जो भी होगा ये आपको पीस ऑफ माइंड देगा। मतलब आपको रात को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी परेशानी दूर होने वाली है। यहाँ पर द एम्प्रेस का भी कार्ड आया है, ये कार्ड ऐसा बताता है कि अभी टाइम है एक्शन लेने का, और आपके पार्टनर एक्शन कुछ ना कुछ लेंगे। अभी तक ये शांत थे, आपको बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, आपके रिप्लाईज नहीं दे रहे थे आपके कॉल या मैसेजेस का, तो ऐसा लगता है कि अभी ये एक्शन कुछ ना कुछ लेंगे, कुछ नया बदलाव आएगा, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है जिसके वजह से आपकी जो लाइफ है वो हैप्पीनेस से भर जाएगी। हैप्पीनेस बहुत आने वाला है, ऐसा ही कार्ड दर्शाता है, पॉजिटिव कार्ड है। तो एक्शन कुछ ना कुछ होगा, ये 100% यहाँ पर क्लियर हो चुका है। आपके पार्टनर आपको भूले नहीं है, ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रुक जाओ, उनकी तरफ से कुछ ना कुछ आपको एक्शन मिलेगा। तो ये था विजडम कार्ड्स की मैसेज एंजल्स की तरफ से। टैरो के थ्रू भी हम थोड़ा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अपने पार्टनर को याद कीजिए। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस सिचुएशन में क्या होने वाला है,
क्या सोच रहे हैं पार्टनर आपको लेकर इस वक्त जानने की कोशिश करेंगे। जो भी सिचुएशन है, जो भी सोच रहे हैं, वो डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अपना फोकस अपने पार्टनर या जिस भी पर्सन के बारे में आपको जानना है, उस पर्सन को आप याद कर सकते हैं, उनका चेहरा याद कीजिए ताकि एनर्जी पिकअप हो जाए और हम जान सके। टैरो कार्ड जो होता है एनर्जी के ऊपर ही होता है, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आप पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव आएगा आपके लाइफ में, पॉजिटिव सोचेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा, खुशी और बुरी जिंदगी होगी आपकी। तो अगर आप खुशी चाहते हैं तो पहला खुद खुश रहिए, फिर आपको खुशी अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। आप नाराज़ रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, आप दुखी रहेंगे तो आपको ही तकलीफ होने वाली है और सब कुछ फिर बिगड़ता जाएगा। इसलिए पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। ऐसा पता है कि ऐसे सिचुएशन में जब आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं तो सुखी कैसे रह सकता है कोई भी, लेकिन रहना पड़ता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं एंजल्स और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस टैरो कार्ड के थ्रू। अपने पार्टनर को याद करते रहिए और जानते हैं हम क्या एग्जैक्ट क्या मैसेजेस आ रहे हैं और कुछ कार्ड्स आना चाहते हैं। देखते हैं क्या मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जो भी व्यूअर्स परेशान हैं, दुखी हैं, उनको कुछ ना कुछ मैसेज बॉटम होते तो ये कार्ड्स आए हैं। सिक्स ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, सिक्स नंबर आपके लिए लकी है, द डेविल। उसके बाद यहां पर आए क्वीन ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, टू ऑफ कप्स। उसके बाद जो कार्ड आया है यहां पर टावर और एस ऑफ वैंड्स। तो ये कार्ड है एस ऑफ वैंड्स, टावर टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, द डेविल, सिक्स ऑफ वैंड्स और सिक्स ऑफ कप्स। ये कार्ड्स हैं। कार्ड्स आपको क्लियर दिखना बहुत जरूरी है। कार्ड्स नहीं दिखते तो रीडिंग देखने का कुछ भी फायदा नहीं है। तो आपको क्लियरली कार्ड्स दिखने चाहिए। तो ये कार्ड्स हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सभी पॉजिटिव कार्ड्स हैं। डेविल क्यों आए हैं वो क्लैरिफाई हम करेंगे। ऐसा लगता है आपको, अगर लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है या आपको छोड़कर चले गए, आपके पास वापस नहीं आ रहे, ये नेगेटिव थॉट्स है। डेविल, डेविल यानी क्या है, शैतान। शैतान ये सब आपके मन में डाल रहा है कि भूल जाओ उसको, मूव ऑन करो और किसी के साथ जाओ। तो आपको अपनी दिल की बात सुननी चाहिए, ऐसा लगता है। डेविल आपको अलग करने की कोशिश कर सकता है तो उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर आपका प्यार सच्चा है, वो इंसान आपके साथ इतने दिन से था तो आप जानते हैं कि वो इंसान कैसा है। अगर आपको महसूस होता है कि सच में वो इंसान मुझसे प्यार करता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आपका फोकस उसके ऊपर होना चाहिए, ना कि शैतानी थॉट्स यानी नेगेटिव थॉट्स के ऊपर नहीं। तो जो राशियां यहां पर दिख रही है उसके बारे में पहली बात करेंगे हम। तो यहां पर एरीज है यानी कि मेष राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, उसके बाद है कैंसर यानी कि कर्क राशि, उसके बाद है पाइसेस यानी कि मीन राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि यहाँ पर है। यहाँ पर जो साइंस है, अर्थ साइन है, फायर साइन है यहाँ पर, साथ ही साथ वाटर साइन भी यहाँ पर है। तो ये कुछ साइंस यहाँ पर है। ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि अगर आपको लगता था कि आपके पार्टनर ने आपका फायदा उठाया या फिर सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप रखने के लिए आपसे दोस्ती की, आपके करीब आए और उनका हार्ट कनेक्शन नहीं था, मतलब हार्ट से आपको पसंद नहीं करते थे, सिर्फ आपकी सुंदरता के लिए आपसे फ्रेंडशिप की,
ऐसा अगर ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपके पार्टनर मेल या फीमेल भी हो सकते हैं, तो आप अपने एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिए। आपकी एनर्जी क्या है, मैस्कुलाइन एनर्जी है या फेमिनाइन एनर्जी है, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज इस बात का ध्यान रखें, ये जनरल है तो सबके लिए है, आपका पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो भी आपको लगता है सही, आपके सिचुएशन के साथ ये मैच करता है, उतना ही लीजिए, ताकि आपका टेंशन कम हो जाएगा। सभी बातें अगर आप लेंगे अपने ऊपर तो आप नाराज हो जाएंगे और नेगेटिव सिचुएशन में जाएंगे। इससे अच्छा है कि जो पॉजिटिव है, जो अच्छा है, उसी को लेना चाहिए, तो पॉजिटिव आपके साइड में अट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने सिर्फ आपको फंसाने के लिए या फिर आपको आपकी सुंदरता देखकर फ्रेंडशिप की थी, आपके करीब आए, तो ऐसा नहीं है, उनको फीलिंग्स अभी डेवलप हो चुकी है। तो ये एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ ये रिश्ता कायम करना चाहते हैं। यहाँ पर टावर का कार्ड आया है। टावर का कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव होता है, लेकिन ये कार्ड ये कहना चाहता है कि कुछ अचानक चीजें होने वाली है, अचानक कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि बुरा ही होगा, कुछ भी हो सकता है। मतलब हम जानते नहीं कि कल हमारे जिंदगी में क्या होगा, कोई भी नहीं जानता कि कल क्या होगा, अचानक से हो जाता है। किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको पता नहीं होता कि आज मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, या कुछ लॉस होता है तो उसको पता नहीं होता कि मेरा आज लॉस होने वाला है। ऐसा अगर पहले ही इंसान को पता होता तो कोई भी तकलीफ में नहीं जाता। तो अचानक सा कुछ ना कुछ बदलाव आ सकता है, ऐसा लगता है यहाँ पर, जैसे कि आपके पार्टनर तकलीफ में पड़ सकते हैं कुछ ना कुछ सिचुएशन को लेकर, या फिर अगर इन्होंने किसी को धोखा दिया है तो इनको कर्मा फेस करना पड़ सकता है, इनके साथ कुछ बुरा हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने अगर उनको धोखा दिया था या फिर आपने कमिटमेंट नहीं दी थी तो ये रिश्ता टूटने की संभावना है, या फिर थर्ड पार्टी से टूटने की संभावना है, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर टू ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी ये बताती है कि दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। अभी तक अगर एक दूसरे के फीलिंग्स को ही आपने नहीं समझा है तो वो रिश्ते का क्या फ़ायदा है। फीलिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पार्टनर जो है आपके फीलिंग्स की कद्र करेंगे, ये आपको समझ पाएंगे कि आपके दिल में उनके लिए कितना प्यार है, और वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, ऐसी यहाँ पर सिचुएशन है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव होगा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तो ऐसा लगता है कि जो आप सोचेंगे या जिसके ऊपर आप फोकस रखेंगे वो आपकी तरफ आने की कोशिश करेगा, ऐसा लगता है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि अभी तक अगर आपके पार्टनर ने इस रिश्ते को बहुत ही लाइटली लिया था कि बाद में देखेंगे, बाद में सोचेंगे, अगर आप शादी के बारे में पूछते थे कि चलो शादी करेंगे या नहीं, तो कुछ ऐसा आपको पक्का उनकी तरफ से कमिटमेंट नहीं मिला, तो अभी मिल सकता है, ऐसे यहाँ पर चांसेस है। मतलब उनका डिसीजन कुछ पक्का हो सकता है, उनकी तरफ से आपको कुछ ना कुछ एक कमिटमेंट या फिर एंगेजमेंट प्रपोजल ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ नया हो सकता है, कुछ ना कुछ आपकी तरफ से भी उनको समझने की कोशिश की जा सकती है। अगर अभी तक आप अपने पार्टनर को नहीं समझे, उनकी फीलिंग्स की कद्र नहीं की है, तो अभी आप में भी बदलाव आ सकता है कि आप भी अपने पार्टनर को थोड़ा वक्त दे सकते हैं। अगर वो परेशान है जॉब को लेकर या अपने फैमिली को लेकर, तो उन्होंने अगर आपसे थोड़ा वक्त मांगा है कि मुझे सोचने दो, मेरे फैमिली को समझाने दो, तो आपको भी थोड़ा समझना चाहिए अपने पार्टनर की सिचुएशन, और उनको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। एक दूसरे को जब आप कम्युनिकेशन आपका अच्छा होगा, एक दूसरे को समझेंगे, तभी ये रिश्ता एक मजबूत रिश्ता हो सकता है, ऐसे यहाँ पर लग रहा है। लेकिन आपके पार्टनर जो है आपको लेकर बहुत पैशनेट है, बहुत रोमांटिक है, इनमें फीलिंग्स जो है आपको हासिल करने की फीलिंग्स लगती है। मतलब ये दूसरे और किसी के बारे में नहीं सोच सकते एज ए लाइफ पार्टनर, आपको ही लेकर जो फीलिंग्स है इनकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा है। और आपकी तरफ इनका फोकस है,
पहला शायद और किसी की तरफ हो सकता है, या आपको सीरियसली नहीं लिया इस पर्सन ने, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये एफर्ट्स डालेंगे इस रिलेशनशिप में, आपको कुछ ना कुछ ऐसा कमिटमेंट देंगे कि आप भी इनके प्यार में, आपका प्यार भी इनके लिए और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा यहाँ पर लग रहा है। मतलब फीलिंग्स इनकी भी स्ट्रांग है आपकी तरफ, अभी की सिचुएशन की अगर बात करें तो फीलिंग्स इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पर। और ऐसा भी लग रहा है कि पहले अगर ये डरते थे अपने फैमिली से बात करने को आपके रिश्ते के बारे में, तो अभी इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है। मतलब ये जीत हासिल करेंगे, किसी भी तरह से अपने फैमिली को मनाएंगे और आपको आपके साथ शादी करेंगे, ऐसी यहाँ पर वाइब्स हैं। मतलब अगर आपके रिश्ते में ऑन ऑफ सिचुएशन था, पहले ये डरते थे आपको अपनाने से या फिर सब कुछ करते थे आपके साथ, लेकिन शादी की बात जब आती थी तो ये टालते थे या फिर बोलते थे कि चलो बाद में बात करते, मतलब ये डरते थे अपने फैमिली से, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अभी नहीं डरेंगे, अभी इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है, तो ये कोशिश करेंगे कि इसमें सक्सेस पाए। मतलब किसी भी तरह से अपनी फैमिली को मनाएंगे और ये रिश्ता पूरी तरह से पक्का करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दूसरा जो कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वैंड्स, ऐसा लगता है कि आप एक करेजियस पर्सन है, ऐसा लगता है। अगर आप फीमेल हैं तो ऐसा लगता है कि आप जो भी आपके सामने जितनी भी कठिनाइयाँ आए, आप उसका सामना करने के लिए रेडी है, बहुत स्ट्रांग है। मतलब आप में वो करेज है, आप में कॉन्फिडेंस है, आप इंडिपेंडेंट है, ऐसा लगता है कि आप उड़ता हुआ पंछी है। मतलब फ्रीडम भी आपको चाहिए, आपको ज़िंदगी एंजॉय करनी है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत पता नहीं इंसान की ज़िंदगी कितनी होती है, लेकिन जितनी भी है आपको आपके पार्टनर के साथ एंजॉय करनी है। मतलब बहुत खूबसूरत बनाने की आपकी एक सपना है कि मेरे को मेरे पार्टनर के साथ एक हंसती खिलती फैमिली चाहिए, ऐसा आपका सपना है, तो वो पूरा होते हुए दिख रहा है यहाँ पर। ये पॉजिटिव कार्ड है, तो ज़रूर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर हैं तो ऐसे कुछ ना कुछ सिचुएशन हो जाएगी जिसमें आपका रीयूनियन हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है, आप दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, ऐसी यहाँ पर फीलिंग्स हैं, ऐसी यहाँ पर वाइब्स हैं। तो पॉजिटिव ही होगा ऐसा लगता है आप दोनों के रिश्ते में, आपको ज़्यादा सोचने की या ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करने की कोशिश करनी नहीं चाहिए, जो भी होगा पॉजिटिव ही होगा ऐसा आपको सोचना चाहिए। यहाँ पर सिक्स ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ये ऐसा लगता है कि आपके पास्ट में जो भी अच्छी चीज़ें हुई है, या आपके पास्ट में कोई किसी से आप प्यार करते थे, जैसे कि एक्स हो सकता है, या फिर आपको कोई बचपन का दोस्त जिससे आपका कम्युनिकेशन गैप हुआ था, या फिर आप एक दूसरे से दूर हो चुके थे, मतलब एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, उनको आप अचानक से सोशल मीडिया पर मिल सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो इनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है, शायद लव वाली फीलिंग्स डेवलप हो सकते हैं। जो भी सिंगल्स हैं, तो अगर आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है या कॉलेज फ्रेंड है जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, तो वो आपकी ज़िंदगी में एज ए लाइफ पार्टनर आ सकता है, ऐसी वाइब्स यहाँ पर है। तो पॉजिटिव है ये कार्ड, और थोड़े कार्ड्स लेकर हम चेक करने की कोशिश करेंगे क्या सिचुएशन होने वाला है आप दोनों के बीच। तो यहाँ पर हम तीन कार्ड लेंगे, वो भी रैंडमली लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें। तो यहाँ पर तीन कार्ड लेने की कोशिश करेंगे, हम तीन कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर एग्जैक्टली नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा, तो देखने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का क्या होगा, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर की तरफ से इस रिश्ते को लेकर, क्या होगा नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर को, पार्टनर की तरफ से आपको लेकर, जानने की कोशिश करेंगे। वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है और एट ऑफ कप्स और सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो एक नंबर भी आपके लिए लकी हो सकता है, आठ नंबर का कार्ड है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है इनको धोखा मिला है, अगर आपको छोड़कर ये थर्ड पार्टी की तरफ गए थे तो वहाँ से उनका
जो सच्चाई है या जो फेक फीलिंग्स है आप थर्ड पार्टी की, इनके सामने आ गया है। तो इसलिए आपके पार्टनर मूव ऑन करना चाहते हैं, मतलब जो फेक है, जो नेगेटिव है, उसकी तरफ से जा रहे हैं कुछ पॉजिटिव की तरफ, मतलब आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसा ये कार्ड दर्शाता है। साथ ही साथ ऐसे भी लगता है न्यू बिगनिंग, कुछ तो न्यू, मतलब अगर आपके आपके साथ रिश्ता खत्म किया था तो फिर से एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ। अगर आपको धोखा देकर दूसरे के साथ गए थे तो अभी लगता है फिर से आपके साथ एक नया नया चांस लेना चाहते हैं, नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, इस रिश्ते में अभी फोकस करना चाहते हैं और थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, उनसे दूर जा रहे हैं क्योंकि इनको धोखा मिला है थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी की असलियत इनके सामने आ गई है और असलियत कभी ना कभी आ ही जाती है। झूठे इंसान कभी भी आगे तक नहीं जा सकते, जो झूठा है वो झूठा ही है। यहाँ पर सेवन ऑफ पैंटेकल्स की एनर्जी है, तो ऐसा लगता है कि ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आगे का बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, मतलब फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा लगता है। सिर्फ थोड़े टाइम के लिए नहीं है, इनको जिंदगी भर का साथ चाहिए आपका, तो वो हिसाब से ये डिसीजन लेना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कमिटमेंट दिया और फिर वो पूरा नहीं कर सके, ऐसा नहीं। सोच विचार कर कर एक ऐसे डिसीजन पर आएंगे कि एक लॉन्ग टर्म रिश्ता आपके साथ चाहते हैं, लॉन्ग टर्म वाला, मतलब आगे का सोच विचार कर कर ये आपके पास आना चाहते हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव है एनर्जी, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर थी आप दोनों के बीच, आपको पता हो गया अगर थी तो नहीं, या है नहीं, है नहीं थी, अगर थी इनके बीच थर्ड पार्टी, आपसे छुपाया भी, तो थर्ड पार्टी निकलने वाली है आप दोनों के बीच में से और आप दोनों का रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ऐसी ही वाइब्स हैं आज यहाँ पर। क्लेम कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को और रीयूनियन को भी क्लेम कीजिए अगर सेपरेशन में है। जो भी सिंगल्स हैं उनके लाइफ में भी एक अच्छा पार्टनर आने की चांसेस यहाँ पर लग रहा है, चाहे आपके चाइल्डहुड हो या आपके स्कूल में पढ़ते थे आपके साथ, कॉलेज में पढ़ते थे आपके साथ, आप उनको जानते हैं, ऐसे ही कोई आपके ज़िंदगी में आएगा, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, और अगर आपने कहीं पर जॉब के वजह से शिफ्ट किया है या फिर उन्होंने आपके सिटी में शिफ्ट किया है तो भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है जो भी सिंगल्स हैं उनके लिए। जो भी शादीशुदा है और अगर उनके पार्टनर आपसे दूर गए थे तो भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आएंगे, आपका रीयूनियन हो जाएगा, एक हंसती खिलती फैमिली फिर से हो सकती है। तो क्लेम कीजिए इस पॉजिटिव एनर्जी को। मेरे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में जो घंटी होती है उसे प्रेस करेंगे तो हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगी। अगर आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं तो वहां पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे वीडियो को और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।